हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एशिया कप 2023 के सुपर फोर मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर 10 सितंबर को दोपहर के 3 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो वैसे तो जो ये पिच है ना, बल्लेबाजी के लिए काफी डिसेंट होती है, बॉल काफी अच्छे से बैट के ऊपर आती है, लेकिन इस दिन थोड़े बादल छाए रह सकते हैं, तो तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलने वाली है। और जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं वेदर रिपोर्ट के बारे में, तो इंडिया पाकिस्तान का पहला मुकाबला भी पूरी तरह से हो नहीं पाया था, और इस मुकाबले के अंदर भी बारिश के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, पर अच्छी बात ये कि रिजर्व डे रखा गया है इस मुकाबले के लिए, तो बाय चांस अगर संडे को मुकाबला हो नहीं पाया तो इस मुकाबले को आप मंडे को भी खेल पाओगे। पर दिक्कत ये कि बारिश दोनों दिन आने वाली है। होपफुली मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि जो फोरकास्ट है वो रॉन्ग हो जाए और बारिश बिल्कुल ना आए इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं टीम इंडिया के बारे में, तो टीम इंडिया का पहला मुकाबला पाकिस्तान से हो नहीं पाया था, टीम ने नेपाल को हराया, और ये उनका सुपर फोर में पहला मुकाबला है, यानी टीम को लगभग 5-6 दिन का गैप मिल गया बीच के अंदर। होपफुली उनकी ट्रेनिंग काफी अच्छे से हुई हुई थी, और जो माहौल बन चुका है ना इस मुकाबले का, इंडिया इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं जिनके बारे में बात करने का भी कोई मतलब नहीं है, पर इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा मुकाबला है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है शाहीन अफरीदी को खेलना। मतलब मुझे समझ नहीं आता, इतने सालों से एक ही दिक्कत है टीम इंडिया की, हम लेफ्ट आर्म पेस खेल नहीं पाते, और इसके ऊपर कोई काम भी नहीं किया जाता। मोहम्मद आमिर ने हमको परेशान किया है, ट्रेंट बोल्ट ने परेशान किया है, रीस टॉपली ने परेशान किया है, दुनिया भर के लेफ्ट आर्म पेसर्स हमको परेशान कर चुके हैं, और फिर एक बार शाहीन अफरीदी हमारे सामने होंगे, और इंडिया के पास कोई लेफ्टी बैट्समैन है नहीं टॉप ऑर्डर के अंदर, तो फिर एक बार रोहित शर्मा हो गए आपके लिए, विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल हो गए, इन सभी को दिक्कत आने वाली है। अब बड़ा क्वेश्चन यह है कि ईशान किशन, जिन्होंने पहले मुकाबले में इतनी कमाल पारी खेली, क्या टीम इंडिया को उस मुकाबले में उनको ड्रॉप करना पड़ेगा? केएल राहुल श्रीलंका आ चुके हैं, बहुत बार कहा गया केएल राहुल प्रेफर्ड चॉइस है, तो अगर केएल राहुल ये मुकाबला खेलते हैं तो इंडिया के टॉप 6 में एक भी लेफ्टी बल्लेबाज नहीं होगा, और ये शाहीन अफरीदी के लिए ट्रीट की बात है। हालांकि मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं केएल राहुल के, इस मुकाबले में ईशान किशन बहुत अच्छा खेले, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, वो लेफ्टी बल्लेबाज, उनको फायदा होगा, पर अगर केएल राहुल खेलेंगे सारे राइटी हो जाएंगे। अगर टीम इंडिया ने शाहीन अफरीदी के स्पेल को निकाल दिया, इंडिया पक्का से रन मार देगी, लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 ओवर से इंडिया को टेस्ट करेंगे, इंडिया की बल्लेबाजी के अंदर कुछ काफी कमाल के नाम है, पर मिडिल ऑर्डर मेरे को काफी ज्यादा वीक लगता है इंडिया का। पर हार्दिक पांड्या ने अच्छी बल्लेबाजी करी पिछले मुकाबले में, वो काफी अच्छी बात है। जडेजा के बारे में भी हम सभी को पता है, गेंदबाजी में वैसे कोई दिक्कत है नहीं, जसप्रीत बुमराह उम्मीद करता हूं इस मुकाबले को खेलेंगे, नेपाल के खिलाफ वो खेल नहीं पाए थे, मोहम्मद सिराज ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, कुलदीप यादव को भी मौका मिलेगा। अब फिर एक बार डिबेट होने वाली है शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी की। शार्दुल नंबर 8 पे आएंगे, हालांकि ऑब्वियस सी बात है मोहम्मद शमी उनसे अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन टीम इंडिया चाहती है थोड़ी उनकी बल्लेबाजी मजबूत हो जाए, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी को इस मुकाबले में रेस्ट दिया जाएगा, बुमराह उनकी जगह आएंगे। यहां पे मेन बैटल होने वाला राहुल और आपके ईशान के बीच में, मैं चाहता हूं ईशान खेले, देखते हैं कौन खेलेगा, पर इंडिया के लिए बड़ा मुकाबला है, टीम इंडिया को शाहीन अफरीदी से बच के रहना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं पाकिस्तान के बारे में, जिन्होंने टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छा क्रिकेट खेला, और अभी तक वो एक मुकाबला भी नहीं हारे हैं, उन्होंने पिछले सुपर फोर के मुकाबले में बांग्लादेश को हराया था, तो अगर वो ये मुकाबला जीतेंगे तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला है। बढ़िया बात यह है कि इनके प्लेयर्स रन मार चुके हैं, बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ एक बहुत ही अच्छी सेंचुरी मारी, पिछले मुकाबले के अंदर इमाम उलक काफी अच्छा खेले, मोहम्मद रिजवान भी काफी अच्छा खेले, तो ये सब लोग टेस्ट हो चुके हैं, इफ्तिकार अहमद भी एक सेंचुरी मार चुके हैं, तो जो उनकी बल्लेबाजी में रन आए ये काफी अच्छी बात है। फखर जमान का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फखर जमान के अलावा जितने भी बल्लेबाज है ना, वो मुझे काफी अच्छे फॉर्म में लगे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए काफी अच्छी बात है। गेंदबाजी भी इस टीम में काफी सॉर्टेड है, हारिस रौफ अच्छा खेल चुके हैं, शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी अच्छी है, नसीम शाह की गेंदबाजी अच्छी है, शदाब खान की गेंदबाजी अच्छी है। हालांकि उनको एक कॉल लेना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर, कि क्या वो फहीम अशरफ को खिलाएंगे इस मुकाबले में, जो कि पिछला मुकाबला खेले, या फिर श्रीलंका की कंडीशन को देखते हुए वो मोहम्मद नवाज को लाएंगे। हालांकि पिछली बार मोहम्मद नवाज काफी खराब खेले थे इंडिया के आगे, तो हो सकता है इस मुकाबले में फहीम अशरफ को एक और मौका मिल जाए, वरना पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास एक बहुत ही सेटल्ड स्क्वाड है, ये टीम बहुत मेरे को डेंजरस लगती है, तो जरूर से पाकिस्तान को हराना इंडिया के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। कमेंट करके आप बताओ इस मुकाबले में कौन सी टीम को जीत मिलेगी, वो टीम होगी इंडिया, वो टीम होगी पाकिस्तान, आप बताओ मुझे कमेंट करके। देखो ऑब्वियसली बात है, मैं तो इंडिया को सपोर्ट करूंगा इस मुकाबले में, मैं चाहता हूं दिल से इंडिया जीते, इंडिया के पास पूरी कैपेसिटी है, वो पाकिस्तान को हरा सकती है, बस शाहीन अफरीदी को अच्छे से खेल लो, इंडिया ये मुकाबला जीत जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।